दोस्तों, अगर आप PIAS बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, तो आज हम आपको 14 सप्ताह में प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े, सभी जानकारी आज हम बताएंगे। सप्ताह नंबर एक, इसमें आपको भारतीय राजनीति और जून माह के करंट अफेयर पढ़ना है। इसके लिए लक्ष्मीकांत या बख्शी और NCERT की किताबें पढ़ना है। सप्ताह नंबर दो, इसमें आपको भारतीय राजनीति और जून जुलाई माह के करंट अफेयर सॉल्व करना है। इसके लिए किताबें समान है। सप्ताह नंबर तीन, इसमें आपको भूगोल विषय और अगस्त माह के करंट अफेयर पर्यावरण विषय पढ़ना है। इसके लिए NCERT बुक्स और शंकर IAS टेस्ट किताबें पढ़िए। सप्ताह नंबर चार, इसमें आपको अर्थशास्त्र और सितंबर माह के करंट अफेयर पढ़ना है। इसके लिए रमेश सिंह, नीति आयोग, NCERT की किताबें पढ़ सकते हैं। सप्ताह नंबर पाँच, इसमें आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी और अक्टूबर माह के करेंट अफेयर और टेस्ट सीरीज पढ़ना है। इसके लिए NCERT बुक्स और नोट्स पढ़िए। सप्ताह नंबर छः, इसमें भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति और नवंबर माह के करेंट अफेयर पढ़ना है और NCERT बुक्स, सिंघानिया की बुक्स आदि पढ़िए। सप्ताह नंबर सात, इसमें अर्थशास्त्र, बजट, नीति आयोग और दिसंबर माह के करंट अफेयर पढ़ना है। इसके लिए रमेश सिंह की किताबें और नोट्स पढ़िए। सप्ताह नंबर आठ, इसमें पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी और जनवरी माह के करंट अफेयर पढ़ना है। इसके लिए शंकर IAS की किताबें और नोट्स पढ़िए। सप्ताह नंबर नौ, इसमें भूगोल, मानचित्रण अभ्यास और फरवरी माह के करंट अफेयर पढ़ना है। इसमें कुलहार, एटलस बुक्स और नोट्स पढ़िए। सप्ताह नंबर 10, इसमें आपको जून 2018 से मार्च 2019 तक के सभी करंट अफेयर पढ़ने और उनके टेस्ट देना है। इसके लिए द हिंदू की वार्षिक किताबें पढ़ सकते हैं। सप्ताह नंबर 11, इसमें आपको जनरल स्टडी का रिविजन करना है और अप्रैल माह के करंट अफेयर पढ़ना है। इसके लिए NCERT बुक्स और नोट्स आदि पढ़िए। दोस्तों, सप्ताह 12, 13 और 14 के लिए आपको जनरल स्टडी का रिवीजन करना है और मई माह के करंट अफेयर पढ़ना है। इसके लिए NCERT बुक्स, नोट्स, टेस्ट आदि पढ़िए। दोस्तों, अगर आप इस तरह से अपनी पढ़ाई का प्लानिंग करते हैं, तो आप आसानी से 14 सप्ताह में UPSC Prelims 2019 परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे।